हेलो फ्रेंड, ज्योति कृष्ण में आपका स्वागत है सबको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए आज हम ये कान्हा जी की एक ड्रेस बनाकर लाए हैं, आशा है आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये हमने स्टार टाइप की बनाई है और ऊपर हमने ये चोली बना दी है और साथ में हमने पगड़ी बना दी है। तो यहाँ तो लेस लगाई थी, अस्तर लगा दिया और यहाँ पर हमने ये सारे कांच लगा दिए। ये कटिंग वाले कांच बाज़ार में आराम से छोटे बड़े साइज में मिल जाते हैं। तो चलिए अभी कान्हा जी को पहना के दिखा देते हैं आपको। ये हमने सिल्क के कपड़े की बनाई है, आप वेलवेट की, सिल्क के कपड़े की, कॉटन की, किसी भी तरह किसी भी कपड़े में आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अभी हम इनको पहना देंगे। ये हमने यहाँ भी इनकी एक डोर बांध दी थी ताकि इनको पहनाने में आसानी रहे। इसमें थोड़े से इनके लिए बड़े हैं ये, लेकिन हमारे पास कान्हा जी बड़े हैं नहीं है, इसके लिए खाली हम आप लोगों को पहना के दिखा देते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसकी फिटिंग बराबर नहीं, क्योंकि कान्हा जी हमारे छोटे हैं और ड्रेस जो है बड़ी है, इतने बड़े कान्हा जी है नहीं है कि इस तरह से हम इसको पहना के यहाँ। यहाँ से इनको कमर बड़ी ही है, यहाँ से एक बार हम आगे से इनको यहाँ से निकाल के टाइट कर देंगे। इनकी ये सुंदर एकदम घेर भी आ गया है, ये इनकी यहाँ पगड़ी पर। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। और प्लीज़ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाया, कितना कपड़ा लिया। ये फ्रेंड्स, हमने ये स्क्वायर कपड़ा लिया, ये हमने 9.5 बाय अब देखेंगे 9.5 का कपड़ा ले लिया। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, ये हमारा देखेंगे स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये देखिए, आपको ध्यान रखना है ये जो दोनों बंद हैं उनको इस तरह एक साइड करना है। अगर आप ये वाली साइड कर देंगे तो आपका वहाँ से कटिंग हो जाएगी, इसीलिए आपको ध्यान से ये जो जॉइंट वाले हिस्से हैं वो एक साइड में ही करना है। ये देखिए, हमारी जॉइंट हिस्से एक साइड है और खुले वाले जो हिस्से हैं एक साइड है। अब हम यहाँ पे एक ताचली लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा यहाँ से हिले नहीं। आप एक लगा दें, दो लगा दें। अब हम यहाँ से देखें, 9.5 है, 5 इंच हम यहाँ से लेंगे और ये देखेंगे तो 5 इंच हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा सीधा निशान। अब हम यहाँ से वापस से 4 से 1 पॉइंट कम यहाँ निशान लगाएंगे और ऐसे ही 4 से 1 पॉइंट कम यहाँ निशान। अब हमने ये जो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो 3.5 था, इस जितना हमारा ये था उसको हम
डबल कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से 3.5 है, तो 3.5 को हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे हाफ आ जाता है। तो हम यहाँ पे रख के ये जो हमारा हाफ आया था, ये देखिए यहाँ पे, उस पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब हमारा दोनों साइड एक जितना, देखिए 2.25 इधर है और 2.25 ही इधर हो गए। ये देखिए तो अब हम इस तरह से इसको निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह हम ये लाइन लगा दी और इसी तरह हमने यहाँ पे लाइन लगाई। तो अभी हम यहाँ से काट देंगे। आप लोगों को खास ध्यान देना है कि जो पॉइंट बनाना है, ये जो खुला हिस्सा है उस साइड में हमको पॉइंट बनाना है। अगर आप इस साइड में बना देंगे तो आपके टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। देखिए इस तरह से भी हम यहाँ से इस तरह जहाँ जहाँ निशान लगाया है वहाँ पे हम इसको काट देंगे। और यहाँ पे हम देखिए 1/2 इंच का ऊपर निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास 1/2 इंच है, इसका हम यहाँ 1/2 से आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि अगर छोटा होगा तो हम दोबारा काट लेंगे, अगर बड़ा हुआ तो ये दोबारा कटेगा नहीं और गला बड़ा, चोली का जो हमारा हिस्सा है कमर का बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही काटेंगे। इस तरह ये हमारा तैयार है, इसको हम सिलाई करके फिर बराबर करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे नीचे अस्तर रखेंगे, इसको इस तरह रखेंगे और इसके बीच में हम पेपर कैनवस लगाएंगे। पेपर कैनवस से क्या होता है कि धोने के बाद नरम पड़ जाता है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और प्रेस करके इसको इस तरह पेपर कैनवस लगा देंगे। चलिए लगा के दिखाते हैं। ये फ्रेंड हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग कर ली है कैनवस की, और नीचे का अस्तर भी काट लिया। अस्तर हमने थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटा है, तो यहाँ पे हमने टाच चिन्ह लगा दी ताकि सिलाई में हमको आसानी रहे। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने अस्तर थोड़ा बड़ा रखा है उसको इस तरह से मोड़ के इस तरह से हम यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, यहाँ से उसके बाद इस तरह मोड़ के चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड हम चारों तरफ से सिलाई लगा दी, थोड़ा फोल्ड करके लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए सेंटर, इसके सेंटर से आप कहीं भी कोई भी सेंटर से, ये देखिए किसी भी सेंटर से आप इस तरह इसको काट दीजिए, निशान लगा लें। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे इस तरह, इसको हम इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा लेंगे, इसे कटिंग करके सिलाई लगा दें। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे, पहले हम इस तरह निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो लेस है वो एक जैसी लगे। ये जो हमारा सेंटर था
देखिए आप लेस अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक और फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ से हम काट दें। तो चलिए एक लगा के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इतनी देर से लगा ली, अब हम यहाँ पे इसको काट, उसके बाद वापस से हम इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ, और फिर यहाँ इसी तरह हम पूरी लेस लगा लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक लगा के फिर यहाँ से काट देंगे, फिर मशीन यहाँ तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से जहाँ इसी तरह हम पूरा में लगा लेंगे। चलिए लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरे में हमने ये लेस लगा दी है। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं। अब हम यहाँ इसकी चोली लगाएंगे। इसकी चोली के लिए पहले हम यहाँ पे इसको नापेंगे, यहाँ से इस तरह हम पूरा इसको नाप के उसी हिसाब से, देखिए 5 इंच की हमारी ये चोली है, तो अब हम इसी हिसाब से 6 इंच का कपड़ा काटेंगे। आपको अगर बड़ा रखना हो तो आप बड़ा भी रख सकते हैं इसको, और अगर आपको चोली बड़ी करनी है तो इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा और काट देंगे तो चोली बड़ी हो जाएगी। ये जो कमर की शेप है हमारी बड़ी हो गई। अब हम यहाँ से 6 इंच का, 6 इंच लंबा कपड़ा ले लेंगे। यहाँ से निकाल देंगे और 2 इंच हम चौड़ा लेंगे। यहाँ से भी 2 इंच लेके इतना हम कपड़ा कमर के लिए काट लेंगे, बेल्ट के लिए इतना कपड़ा हम ले लेंगे। आपको लगे कि आपकी कमर मतलब छोटी है तो आप आराम इसको थोड़ा सा और काट लीजिए। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा काटेंगे तो आपका बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करके ये देखिए यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। इसलिए सिलाई लगा लें, यहाँ देखिए ऊपर बेल्ट हमने ये लगा दी है। अब हम यहाँ पे ये देखिए डोरी हमने लटकन लगा के डोरी भी तैयार कर। अब हम यहाँ पे इस तरह डोरी रख के, इस तरह डोरी रखेंगे और यहाँ सिलाई करके ये रख के यहाँ पे सिलाई करेंगे। आप लोग को ध्यान देना कि ये डोरी जो है वो सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए। चलिए सिलाई कर लें। देखिए हमने यहाँ ऊपर बेल्ट लगा दी। इस तरह ये हमारा कान्हा जी की ड्रेस का घेर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ इनकी चोली बनाएंगे। चोली के लिए हमने यहाँ पर आठ इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से रख के इसकी सिलाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह इधर फोल्ड करेंगे, इधर फोल्ड करेंगे और इतना चौड़ा रख के सिलाई करेंगे। ये सिलाई कर लें। लेस लगा के हमने चोली तैयार कर ली। अब हम यहाँ से इसको 2 हिस्से में कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस तरह रख के
इसके ऊपर इस तरह टेढ़ी सिलाई लगा दी। ठीक है, हमने सिलाई लगा दी यहाँ, इस तरह ये हमारा चोली का शेप आ गया है। अब हम यहाँ पे भी डोरी लगा देंगे ताकि पहनाने में आसानी रहे। ठीक है, इस तरह हम रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। हमारी चोली तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे इनकी पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी, ये देखिए, ये चोली थी। अभी हम पगड़ी के लिए हमने यहाँ पर 5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया। इसको भी हम इसी तरह से, इस तरह से करके इधर इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। चलिए सिलाई लगा लें और फिर उसके ऊपर भी लेस लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। ये हमारी चोली तैयार हो गई, सॉरी। देखिए फ्रेंड, हमारी ड्रेस तैयार हो गई। ये हमारा घेर तैयार हो गया है। ये हमारी चोली तैयार हो गई और ये उनकी पगड़ी तैयार हो गई। इस तरह छोटी सी पगड़ी। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए हमने, ये देखे, कांच आते हैं बाज़ार में, रेडीमेड मिल जाते हैं, तो ये हम कांच इनको यहाँ पे लगाएं। ये भी ये शेप के हैं, तो इसीलिए इसी शेप के हम कांच लगाएंगे। तो कांच के लिए हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे ये वाली, जो आप फेविक्रिल भी लगा सकते हैं, ये भी मिलती है बाज़ार में, इसको भी लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा जल्दी सूख जाती है और फेविक्रिल जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए इसको भी हम यहीं लगाएंगे। इस तरह से इसको लगा दें। सेंटर में यहाँ इसी तरह सबके ऊपर हम लगा देंगे। बाज़ार में सस्ते ही मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। देखिए, ये हमने लगा दी, जिससे कितना सुंदर लगने लगा। इसी तरह हम यहाँ पर कैप टोपी, इनकी पगड़ी पे भी लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, बंद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि नहीं तो ये वो ट्यूब है, निकलती जाती है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर भी हम इस तरह लगा दें। देखिए इस तरह ये भी हो गया है। और इस तरह हम यहाँ पे चोली पे भी दोनों साइड में, दे देखें, एक एक हम यहाँ पे चोली में भी लगा देंगे, ताकि हमारी कान्हा जी की जो चोली है वो भी एकदम सुंदर लगने लगे। इस तरह सामने से लगा देंगे। चलिए, ये भी थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो आशा है आप लोगों को हमारी ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। लाइक का बटन भी दबा दीजिए प्लीज़। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।